सावधान हो जाइए, कोरोना वायरस के बाद एक और जो ये वायरस है टिक बोर्न वायरस, इसने अपनी दस्तक दे चुकी है, जो कि सेम कोरोना वायरस के जैसे ही चीन से फैलना शुरू हुआ है। तो हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं ईस्ट चीन से जो ये वायरस फैला है जिसका नाम है टिक बोर्न वायरस, उसकी बात करने वाले हैं आज की हमारी वीडियो में। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं साक्षी शर्मा एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं टिक बोर्न वायरस के बारे में, जिसकी कि आप यहाँ पर ये इमेज भी देख सकते हैं। टिक बोर्न वायरस, जिसको कि SFTS वायरस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इसका अन्य नाम है। इसकी फुल फॉर्म है सर्वर फीवर विद थ्रोम्बोकोकाइन सिंड्रोम वायरस, इसको SFTS वायरस के नाम से भी जाना जाता है और टिक बोर्न वायरस के नाम से भी जाना जाता है। एट प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो हम सभी लोग ये जानते ही हैं कोरोना वायरस महामारी जो है, जो कि चीन से फैलनी शुरू हुई थी, उसके बाद अब ये जो वायरस है टिक बोर्न वायरस, जिसको कि SFTS वायरस के नाम से भी जाना जाता है, इस वायरस ने दस्तक दे दी है। और चीन में अब तक इस बीमारी से 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 60 से अबव जो लोग हैं वो इससे इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने वेंसडे को ये जानकारी साझा करी थी, क्योंकि लोगों के बीच ये जो संक्रमण है SFTS वायरस, ये फैलने की आशंका को लेकर उन्होंने वेंसडे को चेतावनी भी दी थी, क्योंकि ईस्ट चीन के जियांगसू प्रांत में साल की पहली छमाही में ये जो वायरस है SFTS वायरस से 37 से अधिक लोग भी संक्रमित हो गए थे। ये जो वायरस है SFTS वायरस, ये नया वायरस नहीं है, ये पहले भी अपना आतंक मचा चुका है, जिससे कि काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी और इन्फेक्टेड भी हो गए थे। इस वायरस से संक्रमित जियांगसू की जो राजधानी है नॉनचियांग, वहाँ की एक महिला को शुरू में खांसी और फीवर के नॉर्मल उसको सिम्टम्स दिखाई दिए थे, जिससे क्या हुआ था कि डॉक्टरों को उसकी बॉडी में ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट के कम होने का पता चला। और फिर 1 महीने का उसका ट्रीटमेंट चला, उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया और फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि अनुहुई और पूर्वी चीन का जो जेजियांग प्रांत है वहाँ पर कम से कम 7 लोगों की इस वायरस से मौत भी हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि ये जो वायरस है SFTS वायरस, ये कोई नया वायरस नहीं है। चीन में पहली बार जब ये वायरस आया था तब इसका पता चला था सन 2011 में। तो चीन में पहली बार साल 2011 में इसका पता चला था। उसमें क्या था कि विषाणु जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि ये जो वायरस है ये संक्रमण पशुओं के शरीर पर चिपकने वाले कीड़े, जैसे कि टिक जिसको हम बोलते हैं, उससे ह्यूमन बॉडी में फैल सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि इंसानों के बीच ये जो वायरस है ये काफ़ी तेज़ी से फैलने लगता है। तो ये जैसे कि आप यहाँ पर इसकी इमेज भी देख सकते हैं, जिस हम टिक की बात कर रहे हैं यानी कि कीड़े की बात कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। बात करें अगर हम कि ये जो वायरस है टिक बोर्न वायरस या SFTS वायरस, ये किस तरीके से फैलता है, तो ये जो वायरस है SFTS वायरस, ये बुनिया वायरस की कैटेगरी का वायरस है। जैसे कि यहाँ पर लिखा, ये बुनिया वायरस के समूह का ही वायरस है। बुनिया वायरस क्या है? ये एक वाहक मकड़ी जैसा, जैसे कि मकड़ी स्पाइडर होता है उसके जैसा एक छोटा सा टिक होता है, और जब ये टिक इंसान को अगर काट लेता है तो ये जो इन्फेक्शन है इसका वो फैल जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चीन के जो विशेषज्ञ हैं स्पेशलिस्ट हैं उनके मुताबिक ये भी है कि अगर कोई पर्सन इससे इन्फेक्टेड हो गया है, यानी कि संक्रमित जो पर्सन है, इन्फेक्टेड जो पर्सन है, उसके ब्लड और पसीने के ज़रिए क्या होता है कि ये दूसरे इंसान में फैल सकता है। टिक बोर्न वायरस इस तरीके से ये जो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। और जैसे कि कोरोना वायरस है इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाता है, ठीक ये उसी तरीके से ही जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके ब्लड या पसीने के ज़रिए से ये दूसरे इंसान में बहुत ईजिली फैल सकता है। अगर हम बात करें बुनिया वायरस के बारे में, तो बुनिया वायरस
के बारे में क्या कहा गया है कि सीडीसी के अनुसार बुनिया वायरस जो है ये एक सिंगल स्ट्रैंड वाले आरएनए वायरस का एक बहुत बड़ी फैमिली है, यानी कि 300 से अधिक वायरस इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें अगर हम वायरस की बात करें तो इसमें वायरस के 5 जनरे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑर्थोबोनिया वायरस, फेलेबो वायरस, नंबर थर्ड है टोस्पो वायरस, फोर्थ है नैरो वायरस और लास्ट है हंता वायरस। हंता वायरस की भी हमारी जो एक वीडियो है वो आई थी, आपने अगर नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। हंता वायरस जो कि अभी कोरोना वायरस के बाद इसने भी काफ़ी अभी हाहाकार वहाँ पर मचाया था। तो ये जो टोटल 5 वायरस हैं, ऑर्थोगोनिया वायरस, फेलोबो वायरस, नेरो वायरस, हंता वायरस, टोस्पो वायरस, ये जो टोटल हैं 5 वायरस हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि टोस्पो जो वायरस है वो केवल पौधों को संक्रमित करते हैं, वो ह्यूमन को इन्फेक्टेड नहीं करते, वो केवल प्लांट को ही इन्फेक्टेड करते हैं। उससे क्या होता है कि वे संचरित होते हैं और ऑर्थोपोड जैसे कि मच्छर, टिक, सैंडफ्लाइज और रोन्स द्वारा जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और कभी कभी रेयर ही केस ऐसा होता है कि वो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं। यहाँ एक बात यह भी देखा जाता है कि बुनिया वायरस जो है वो फैमिली के विभिन्न वायरस मनुष्यों में, पशु में और कभी कभी दोनों में सीरियस बीमारी भी वो पैदा कर सकते हैं। तो ये जो वायरस हैं वो काफ़ी डेंजरस वायरस हैं। बात करें कि हम ये जो वायरस है इससे कितना खतरा है, तो चीन की जो स्वास्थ्य एजेंसी है सीडीसी, उनके अकॉर्डिंग इस वायरस से डेथ का जो डेंजर है वो टोटल 12% है। मौत होने की संभावना इसमें 12% तक है। और अगर हम बात करें इसके वैक्सीन की, तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अभी तक इस वायरस के लिए, इसकी रोकथाम के लिए कोई भी वैक्सीन या एंटीडोट जो है वो अवेलेबल नहीं है। बात करें अगर हम कि ये वायरस जो है टिक बोर्न वायरस, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो इससे सबसे पहले क्या होता है कि क्योंकि कई टिक बोर्न जो बीमारियां होती हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं, ऐसे ही टिक जो हैं उससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उसमें सबसे आम लक्षण क्या होता है, इसमें बुखार या ठंड लगना, चकते पड़ना, जैसे कि छोटे छोटे चकते जो होते हैं वो बॉडी पर पड़ने लग जाते हैं, तो बुखार या ठंड लगना, चकते पड़ना, दर्द एवं पीड़ा, सिर दर्द, थकान। इस वायरस से अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसको क्या होगा कि बॉडी में काफ़ी पेन होने लगेगा, हेडक होने लगेगा, बॉडी बिल्कुल थकान जैसे, टायर्ड जैसी फील होती रहेगी, मांसपेशियों में दर्द, उसकी जो जॉइंट होंगी उनमें काफ़ी दर्द रहने लगेगा, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स तेज़ी से गिरने लगेंगी जैसे कि अक्सर बुखार में भी होता है। तो ये जो है ये इसके मेनली सिम्टम्स हैं, क्योंकि इन सिम्टम्स की स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो इन लक्षणों की शुरुआत और गंभीरता जो पेशेंट होता है उसके जो डिजीज़ होती है, बाकी उसका जो डिजीज़ को ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम कोरोना वायरस में ही बोलते हैं कि किसी का अगर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसको बीमारी सहने की जो क्षमता होगी, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। बात करें अगर हम कि बचाव कैसे किया जाए इस वायरस से, तो इसके लिए सजेशन यही है कि ये जो वायरस है इसका उपचार जो है, रेमेडीज़ जो हैं वो घर पर भी पॉसिबल हैं, लेकिन अगर सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। और साथ ही साथ इस वायरस से बचने के लिए सबसे पहले यही है कि इन्फेक्टेड जो पर्सन हो उनसे दूर रहें, संक्रमित लोगों से दूर रहें, जंगल और जो झाड़ी वाले इलाके होते हैं उनसे ना गुजरें, क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा टिक जो होते हैं वो इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि जब तक लोग सतर्क रहते हैं ऐसे वायरस के संक्रमण से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि जियांग यूनिवर्सिटी के जो वहाँ का हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर शेंग जियांग ने यह भी कहा था कि इस वायरस के इंसान से इंसान में फैलने की जो संभावना है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन बॉडी इसको फैलाया जाता है, फैलता है ये, क्योंकि उससे जो पेशेंट होता है उसका ब्लड या म्यूकस के माध्यम से क्या होता है कि ये वायरस दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो डॉक्टर ने ये चेतावनी दी है कि ये जो वायरस है टिक द्वारा काटने से फैलता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए।
ये जो वायरस है इसके जो टोटल केसेस हैं उनके मामलों में अगर हम इंक्रीमेंट की इंक्रीज की बात करें, वृद्धि कितनी हुई है, तो चलिए देख लेते हैं। SFTS संक्रमण में एक उच्च मामले की जो टोटल डेथ रेट है अब तक की, हम पहले जो ये वायरस हुआ था उसकी और अब की बात कर रहे हैं, तो मृत्यु दर जो है वो 30% के प्रारंभिक दर है और इस समय मामले की जो घातक दर है वो 10 से 16% है। इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया सहित जो नेबरिंग कंट्री हैं उसमें इस वायरस को अलग कर दिया गया है, जहां 2015 में दोनों देशों में मृत्यु दर जो थी वो 30% से अधिक थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जियांगसू की जो राजधानी है नानजिंग, वहां की एक महिला जो थी वो इस वायरस से, टिकबोर्न वायरस से वो इन्फेक्टेड थी और उनकी बॉडी में क्या हुआ था कि उनकी बॉडी में लिप्टोस और जो ब्लड की प्लेटलेट थी वो गिरती जा रही थी, तो वहाँ के जो स्पेशलिस्ट थे उनका ये मानना था कि ये जो इन्फेक्शन है वो ह्यूमन बॉडी में एक प्रकार के कीड़े या अगर हम मच्छर या मॉस्किटो की बात करें तो उससे हुआ होगा और ये वायरस जो है इंसानों के बीच इस तरीके से फैल सकता है। तो यहीं पर हमारी जो ये आज की वीडियो है जिसमें कि हमने टिक बॉर्न वायरस के बारे में आपके साथ बात की है, ये यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही हमारी जो अदर वीडियोस होंगी, लेटेस्ट अपडेट होंगी, वो हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है SP नोटिफायर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बी सेफ, स्टे एट होम।